दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिल्डर जुगल किशोर बिरला के नाम पर बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1939 में किया था। भवन को बनने में लगभग 6 साल लग गए। नारायण का अर्थ होता है विष्णु और इस समय वह अपनी पत्नी के साथ होते हैं। दोस्तों बिरला परिवार ने भारत में कई मंदिर बनवाए हैं, लेकिन ये मंदिर कुछ अलग ही है और यही मंदिर उनका पहला मंदिर भी है जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम बनवाया था। आइए जानते हैं इसी मंदिर के बारे में आज सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों यह मंदिर 7.5 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। दोस्तों इस मंदिर को फव्वारों, मंदिरों और राष्ट्रवादी मूर्तियों से सजाया गया है। दोस्तों जन्माष्टमी और दिवाली के समय मंदिर में बहुत ही ज्यादा सजावट और भीड़भाड़ होती है। आखिर हो भी क्यों ना, ये मंदिर है ही इतना सुंदर। दोस्तों पत्थर की नींव महाराज उदय भानु सिंह जी ने रखी थी और मंदिर का निर्माण करने वाले वास्तुकारक श्री चंद्र चटर्जी थे, जो आधुनिक भारतीय वास्तुकला आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। दोस्तों इस मंदिर की वास्तुकला 20वीं शताब्दी की शुरुआत के स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रेरित थी और विहित ग्रंथों का उपयोग किया गया। दोस्तों चटर्जी ने अपने निर्माण में आधुनिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया और आज भी उनकी प्रशंसा काफी की जाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में। दोस्तों मुख्य मंदिर में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी जी हैं, जबकि मंदिर के उत्तर की ओर में गीता भवन स्थित है जिसमें भगवान कृष्ण हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी को सौभाग्य और समृद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों गीता भवन का पूरा हॉल भारतीय पौराणिक कथाओं के चित्रों से अलंकृत है। दोस्तों प्रत्येक दृश्य एक नैतिक कहानी प्रदर्शित करता है, दोस्तों जो मन में भक्ति और विचार पैदा करता है और खुशी लाता है। दोस्तों मंदिर के बाईं ओर दुर्गा मंदिर है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा देवी को लाल फूलों से सजाया जाता है। इन्हें वैभव लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों मुख्य मंदिर के किनारे भगवान गणेश, शिव और हनुमान जी के मंदिर है। दोस्तों मंदिरों में से एक मंदिर भगवान बुद्ध को भी समर्पित है। दोस्तों दीवारें और ऊपरी गैलरी राजस्थानी चित्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है और वहीं बुद्ध मंदिर के अंदर की दीवारें उनके जीवन और कार्यों को दर्शाती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि हिंदू और बौद्ध दोनों एक ही मंदिर में आज भी मौजूद हैं, जो वास्तुकारक और निर्माता के आधुनिक सौंदर्य मनोबल को साबित करता है। दोस्तों ये पूरा मंदिर अर्धलाल और क्रीम रंग में रंगा हुआ है, जो भगवान और देवी के प्रति भक्ति को दर्शाता है। दोस्तों इस मंदिर को उड़ीसा, मुगल और राजस्थान से प्रेरित भारतीय पौराणिक वास्तुकला के आधुनिकीकरण के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों आप जानते हैं मंदिर के रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों 1939 में बना यह दिल्ली का पहला बड़ा मंदिर है। मंदिर का उद्घाटन करते समय महात्मा गांधी ने न केवल उच्च जाति के हिंदुओं को बल्कि अन्य सभी हिंदुओं को भी मंदिर में जाने देने की शर्त रखी थी। और दोस्तों आज भी यह मंदिर विभिन्न धर्मों के लोगों को यहाँ आने की अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों 3 मंजिला मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। इसे स्वर्ग युग के दृश्यों को चित्रित करने वाली नक्काशी से सजाया गया है। दोस्तों मंदिर पर काम करने वाले कारीगरों की संख्या 100 से भी अधिक थी और इसके प्रमुख आचार्य श्री विश्वनाथ शास्त्री थे। दोस्तों मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर 160 फीट का है और मंदिर पूर्व दिशा की ओर है। इसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है। अन्य मंदिर 116 फीट तक ही उठते हैं, जो मुख्य गर्भगृह में सुंदर एवं भव्यता को जोड़ता है। दोस्तों मंदिर में लगा पत्थर संगमरमर का है और ये जयपुर राजस्थान की एक जगह से लाया गया है, जो संगमरमर के लिए काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा इस मंदिर में ऊंचे टावर हैं। दोस्तों यह ऊंचे टावर वास्तुकला उड़ीसा राज्य को दर्शाती है और माना जाता है कि यह मंदिर उड़ीसा के ही वास्तुकला से प्रेरित है। हालांकि मंदिर के बाहर संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर है, जो मुगल वास्तुकला को दर्शाता है। दोस्तों इस मंदिर को बनाने वाले कुशल कारीगर बनारस के थे, जो भारत के विभिन्न स्थानों से लाए गए पत्थरों पर काम किया करते थे। दोस्तों बता दें ये पत्थर आगरा, कोटा, जैसलमेर आदि जगह से लाए गए हैं। दोस्तों मंदिर के दुर्लभ छोर पर टेरेस गार्डन और फव्वारे हैं। दोस्तों बिरला परिवार ने भारत में कई बिरला मंदिर बनवाए हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि इसे उन्होंने बिरला मंदिर के माध्यम से धार्मिक मान्यताओं को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्थित संस्कृति विकसित की है। दोस्तों एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिरला मंदिर की एक दीवार पर 1942 से कृष्णपाल शर्मा नामक एक व्यक्ति का शिलालेख है, जिसने कुछ ग्राम पारा को सोने में बदल दिया था और जिसे कई लोगों ने देखा भी था। दोस्तों हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान बिरला मंदिर को नवविवाहित भारतीय दुल्हन की तरह सजाया जाता है और दोस्तों इस सुंदर नजारे को देखने के लिए कई पर्यटक और स्थानीय तीर्थयात्री आते हैं। दोस्तों दिवाली के दौरान पूरा मंदिर जगमगाता है और प्रकाश एक शांत सकारात्मक ऊर्जा का माहौल प्रदान करता है। दोस्तों यहीं पर एक अखाड़ा भी है, जिसे भीम का जिम भी माना जाता है। अब दोस्तों भीम को तो आप जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों आप मंदिर घूमते हैं। दोस्तों आप मूर्तियों से भरे विशाल पैदल रास्ते से आराम से सैर कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर का एक रास्ता मंदिर के बाहर एक झरने के साथ कृत्रिम पहाड़ की ओर जाता है। दोस्तों बच्चे लघु रोग मंदिरों का आनंद ले सकते हैं, जहां एक गुफा जैसी संरचना में प्रवेश होता है, जो पौराणिक कहानियों या पंचतंत्र से जुड़ा हुआ होता है और बाद में एक निकास होता है।
त्योहारों के दौरान मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। कई कलाकार यहाँ पर अनुष्ठान भी करते हैं। दोस्तों यह मंदिर आनंदमय और आध्यात्मिक रूप से शांतिपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के समय के बारे में। दोस्तों यह मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों दिल्ली घूमने का सबसे अच्छा समय फरवरी और अप्रैल के बीच या सर्दियों में होता है। बिरला मंदिर के पास निकटतम मेट्रो स्टेशन आरके आश्रम मार्ग है। दोस्तों यह मंदिर जंतर मंतर के काफी करीब है, जो इसे दिल्ली में पर्यटकों के रूप में शीर्ष यात्रा में से एक बनाता है। वैसे दोस्तों क्या आप भी यहाँ पर गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि महान बिरला मंदिर के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने शहर के मंदिरों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो उसे भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।